पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्ण को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। कंपनी द्वारा अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने के बाद शीर्ष अदालत ने यह आदेश जारी किया है। मंगलवार यानी 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन वाले केस में अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 2 हफ्तों बाद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। दरअसल फरवरी में अदालत ने कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा था कि कंपनी के विज्ञापनों ने पूरे देश को भ्रमित कर दिया है। ऐसे में अब अदालत ने बाबा रामदेव को यह बताने के लिए नोटिस भी जारी किया कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। फरवरी में अदालत ने कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा था कि बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले हर्बल उत्पादों के विज्ञापनों ने पूरे देश को धोखा दिया है। अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद और प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्ण को नोटिस जारी कर पूछा था कि अपने उत्पादों के विज्ञापन और उनकी ओर से प्रभावकारिता के बारे में अदालत में दिए गए फर्म के वचन का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कंपनी और उनके अधिकारियों को चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के खिलाफ मीडिया में बयान नहीं देने का आदेश दिया था। अदालत ने केंद्र से पूछा था कि उसने विज्ञापनों में कथित दावे और गलत बयानी के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, जिसमें दावा किया गया है कि उसकी दवाएं कई बीमारियों का इलाज कर सकती हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने बाबा रामदेव द्वारा स्थापित कंपनी के खिलाफ अदालत का रुख किया और आरोप लगाए कि वे चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली के खिलाफ बदनामी का अभियान चला रहे हैं। पिछले साल 21 नवंबर को कंपनी ने अदालत को आश्वासन दिया था कि अब से किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होगा। विशेष रूप से इसके द्वारा निर्मित और विपणन किए गए उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित और इसके अलावा कोई भी आकस्मिक बयान दावा नहीं किया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी मैंने। मेरा नाम गायत्री चौहान है। ऐसी ही और खबरों पर अपडेट के लिए देखते रहिए उल्लेख न्यूज़। शुक्रिया।